हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है दिन फ्राइडे, नाश्ता पानी सबका हो चुका है और यहाँ कर ले रही हूँ अब मैं अपनी थ्रेड। 10:30 बज गए हैं, बच्चों की चल रही है क्लास और सारा काम तो हो चुका है फिलहाल का मॉर्निंग का। तो अभी मुझे यही लगा कि पार्लर जाने से अच्छा है कि मैं अपनी थ्रेड खुद ही कर लूँ, और जब ये छोटी छोटी सी आती है तभी इनको अगर निकाल लो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। एक बार मैंने पहले भी निकाल ली थी, बना ली थी, और आज सेकंड टाइम मैं इनको खुद से बना रही हूँ। पार्लर जाने में मुझे थोड़ा सा रिस्क लगता है और समय का भी सभी को पता है कि क्या समय चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो इसलिए बार बार कहने और बताने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं खुद से बना लूँगी इनको, और खुद से बनाने में दिक्कत तो थोड़ा सा होती है, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी तब भी बहुत सही मेरी बन गई थी, लेकिन आज थोड़ा सा दिक्कत हुई। मैंने जब थ्रेड बनाई तो थोड़ा सा मोटी पतली ऊपर नीचे हो गई थी, वो मैं भी आपको दिखा दूंगी कि क्या दिक्कत हो गई थी। एक तो बन गई, देखो कितने ही हेयर थे ना, अब रह गई ये वाली। इसको भी बनाती हूँ, बना के बाद ही दिखाऊंगी मैं। प्रॉब्लम तो है खुद से बनाने में, ऐसी बात नहीं है। हाय, और देखो बन गई मेरी आईब्रो, ये देखो। और ये मुझे थोड़ी सी मोटी लग रही है, क्योंकि इसमें ना बहुत बारीक से मैं दिखाऊंगी, तो यहाँ से शायद कुछ एक आध के चक्कर में ना फिर एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, तो इसलिए मैं निकाल नहीं रही हूँ। और ये जैसे कि मैंने यहाँ पे बस एक निकालने की कोशिश की थी तो 2-3 एक्स्ट्रा निकल गए, तो उसके चक्कर में ये यहाँ से पतली हो गई, यहाँ अलग हो गई, यहाँ अलग हो गई। पर अपने हाथ से बेटर है कि इतनी भी बन गई तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो, क्योंकि अभी सेकेंड टाइम ही बना रही हूँ मैं अपने हाथ से। बस ठीक है, पार्लर जाने से तो अच्छा है। यार पार्लर में जाने में मुझे तो भाई रिस्क लगता है, और मैं तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं वहां पे, तो पता नहीं रहता है कि अभी समय का सभी को पता ही है। बस बन गई है थ्रेड, ठीक है, अपने हाथ से ऐसी भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। दोपहर का टाइम है, 2 बज चुके हैं, लंच बन चुका है और बच्चों को देवरानी जी ने खाना दे दिया है, सबको वो खाना दे रही हैं। मैं आ गई हूँ छत में और मैं तब तक ये सब सुखा ले रही हूँ। क्या सुखा रही हूँ आप खुद देख लीजिए। सर्दियों का टाइम है और इस टाइम पे मार्केट में सब्जियां खूब आती हैं, और बहुत तरीके अलग अलग तरीके की सब्जियां आती हैं, और इस टाइम पे सब्जियों के रेट भी सस्ते होते हैं, क्योंकि वही सब्जियां हमें गर्मियों में डबल रेट पे मिलती है। जैसे कि गोभी, अगर इस टाइम पे, आजकल तो खैर 10 रुपए किलो मिल रही है, क्योंकि मैं जो अचार के लिए गोभी लाई हूँ ये 10 रुपए किलो है, और अभी कुछ दिन पहले 10 की 1.5 किलो भी थी, 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, इस तरीके की से गोभी मिल रही थी मार्केट में। और यही गोभी जब हम गर्मियों में लेते हैं 80 और 100 के रेट में हमको मिलती है। तो अगर हम समर या विंटर सीजन में, यानी कि सर्दियों में सब्जियों को स्टोर करना चाहें तो उनको हम अचार के थ्रू स्टोर कर सकते हैं, यानी कि अचार बना करके उनको रख सकते हैं। और अचार दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में, और कभी अगर सूखी सब्जी हो उसके साथ भी अगर हम अचार खाते हैं तो भी ज़्यादा टेस्टी लगता है अचार। अगर हमको सब्जियों का अचार बनाना ही है तो सर्दियों में बना लेना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में जो है सब्जियों के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि सर्दियों के अकॉर्डिंग तो एकदम डबल और तिबल हो जाते हैं। शाम के 6:30 बज चुके हैं और मैंने गांव में फ़ोन मिलाया है, अपनी चाची जी के पास कॉल लगाया है, वीडियो कॉल, क्योंकि अभी मेरे कज़न की शादी थी और मैं नहीं जा पाई थी, तो वीडियो कॉल के थ्रू ही मैं अपनी चाची जी को दूंगी बधाई, और प्रॉपर अपनी ही भाषा में मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि पहाड़ी बोलना मुझे भी अच्छा लगता है, और आप हमारी भाषा भी सुन लीजिए, हमारी गपशप सुनिए। और देखिए, बहुत बहुत बधाई हो, बाहर ले आइए। हमारे तो आड़ो प्रोग्राम छी खेल लिया, कोरोना कोरोना चक्कर में आयल नहीं, जो दिमाग खराब खेल बेकारो। हो न तर मैं लोग अच्छी मैच जुला जो सबू जगह भेड़ घाट है जल कबर। बुआरी भेल छ बान बान जेस मेल को बुआरी भेल छ खूब बान छ को सब एक से एक ची भैया। कोई हेमा मा, कोई हेमा मालनी, कोई श्री देवी अरे हरा खाण पीण जूल बनूल पे 7:30 बजे बाद बनानू।
अच्छा मतलब पहली का बेटी बाप जरीन बेटी हम ब्याह कर आ रही उधिन बेटी हमारा टाइम बनी छे की दू बजे हम किचन हम जानो खबर रत्ती ब्याह दिनम ना पा हर्ष नहीं हो पा जरा सर्जू छी पा आयो है ना काकी जरा मुनाम को ठुलझाणी हो तो जरा डर ले है और भल ला लागू हम को काणी छे डाठुनी छे कबे ने ठुलझाणी है ना घर बतेरे तो बहुत ठुल बात है और भल मतलब उन के कह रही हम को के समझा रही हम को ये डर ल छे कि हम को ये चीज करण छे टाइम पर करण छे पर वो आप मन खा गए जब कर भला नहीं कर भला पढ़िया रोय भला पढ़िया रोय कर दी तो कर दी वाल बात है हस नहीं हो सासरू दगा तो बहुत बात है जय सासौर है जब उलग खुश किस्मत वाल है कि चलो सासौर छी हम हम मुनाओं बहरी कानी छी हम कबे ओ चली बाबा को ज्ञान हो आप मनो खागो है जब जथाऊ मन आए तथाऊ चल दी हस जे के भाई बहुत बात है जी बुढ़वाड़ी पर हण चली बुढ़वाड़ी घर भते रही बुढ़वाड़ी शोभा बनी रही जरे घरे आप द्वार खलिया डालो और के हम कथन हेला जानो था हम सॉर्ट जो घर का कबे है री हम हो गए ना ना आयला है हमको तो हम सॉर्ट जो भत्ता है सहार से हम इथा उथा कथन ले जुला हम पूछबे जानो जुला मेरे बहुत बढ़िया छी बहुत बढ़िया आदमी छी सॉर्ट जुला भल छी मेरे उला हम हो हस रानी बजी पहला हो बज लाग रहा नंद जे लाग रहा पौन जे हो नंदिन सब ठीक छी मेर तुम बताओ क्या हाल है तुम्हारा दांत या तुम्हारा दांत या चमकी रही कोलगेटल कर रही क्वेलल कर रही की मेरे को दांत या चमकी रही कोलगेट लगा रही की क्वेलल माज रही केल कर रही हूँ चमकन पर अच्छा तुम लोग खुबे चमकारी कॉलगेट हम लोग हमारा नहीं चमकी ही रहा तुम्हारे शकर के लिए चमकी ही हो अच्छा मैं चमक रही ना होय खाना जूल यार बोजी जाना टाइम है ही रहा मेरे को पहली बात कर ली नो फिर भरूफन सब टाइम से जानी ना एल जी अच्छा होय और बाकी फन सब सही बढ़िया तो यहाँ मैंने बातें अपने चाची जी से कर ली और अब भाभी जी से बात कर रही हूँ और बात मैं प्रॉपर अपनी ही पहाड़ी भाषा में कुमाऊनी भाषा में बात कर रही हूँ। लोग आजकल अपने घर में बच्चों से पहाड़ी भाषा नहीं बोलते हैं लेकिन मेरे हिसाब से बोलना चाहिए। मैं अपने घर में बच्चों से भी पहाड़ी भाषा में बात करती हूँ तो हमारे जो चारों बच्चे हैं वो प्रॉपर से समझ लेते हैं, बस बोल नहीं पाते हैं। कोई कोई वर्डों को वो बोल भी लेते हैं और ज्यादातर लोगों के मन में यही रहता है कि हमारे बच्चे इंग्लिश में बात कर लें, इंग्लिश में बात कर लें। अगर हम पहाड़ में रह के हिंदी सीख सकते हैं तो क्या हमारे बच्चे यहाँ पे रह के इंग्लिश नहीं सीख सकते? इंग्लिश तो सीख ही जाएंगे, बच्चे आजकल नॉर्मली इंग्लिश स्कूल में ही पढ़ रहे हैं तो सीख जाएंगे, लेकिन हमें अपनी भाषा भी उनके सामने रखनी चाहिए, बोलनी चाहिए, उनको सुनानी चाहिए जिससे कि बच्चों के मन में भी ये भाषा बनी रहेगी। बस यही था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो। वीडियो को करूंगी मैं यहीं पे खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।